खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतर गए हैं। आज उन्होंने राफेल की पूजा को लेकर किए जा रहे कांग्रेसी विरोध पर करारा वार किया है। भारत माता की जय के नारों का ये उद्घोष हरियाणा के कैथल में हो रहा है, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद आज अमित शाह ने हरियाणा के कैथल से चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनाव की घोषणा के बाद मैं सबसे पहले कैथल के अंदर प्रचार करने के लिए आया और कैथल से प्रचार शुरू करते वक्त मेरे मन में पूरा विश्वास है कि अब की बार 75 पार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के चुनावी रण की 75 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा बुलंद करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कल भारत को मिले पहले राफेल की रक्षा मंत्री ने पूजा की थी, जिसे कांग्रेस के नेता ड्रामा ठहरा रहे हैं। राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन द्रास की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। हरियाणा के जिस कैथल में अमित शाह कांग्रेस पर गरज रहे हैं, उसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 सालों से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। साल 2009 से रणदीप सुरजेवाला यहां से लगातार जीत रहे हैं। कैथल से इस बार भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यहां से लीला राम गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। कैथल के अलावा अमित शाह ने आज लोहारू और महम की विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इनके